राम राम सभी भाइयों को। तो किसान किसान भाइयों, ये मेरे सोयाबीन की फसल है 2034 GS 2034, जो कि कल आज 22 तारीख है और 25 तारीख को पूरे 3 महीने की फसल हो जाएगी। इस प्रकार से ये देखिए फलियाँ बहुत अच्छी आई है इसमें और ज़्यादा हाइट भी नहीं होती है इस सोयाबीन की। और ये देखिए आप, फलियाँ बहुत ज़बरदस्त सेटिंग हुई है इसमें। और अभी की पोजीशन में इस देखा जाए तो ये कितना एक एवरेज देती है, आप मेरे को इसकी फलियाँ देखकर, पौधे की साइज़ देखकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये इस प्रकार से तो ये 2034 है GS की, बहुत ही अच्छी वेराइटी है और इसमें वायरस भी नहीं आता है और बहुत ही अच्छी इसमें पीला मोजेक देखने को नहीं मिलता है। ये मेरा खेत है, पूरा देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से ये GS 2034, और इधर अपना ये पोली हाउस है। तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसान, ज़्यादातर किसान यही लगाते हैं GS की 2034। अब इस वैरायटी में उत्पादन हर साल हमारे यहाँ पर अच्छा हमें देखने को मिलता है, ज़्यादा बारिश की वजह से बिगड़ जाती है। तो बाकी 3 से 4 क्विंटल बीघे का उत्पादन आसानी से देखने को मिल जाता है। और इसकी खासियत है ये थोड़ा ज़्यादा पानी भी गिरे तो भी ये फसल पानी को सहन कर लेती है और ये हाइट भी कम लेती है। बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पौधे की एक निश्चित दूरी होना चाहिए, तभी इसमें अच्छी फलियां बनती है। ज़्यादा पौधे सघन होंगे तो इसमें फलियां कम देखने को मिलेगी। और इस सोयाबीन की एक खासियत बता दूं मैं अभी इस मेरे खेत की, इसमें मैंने अभी तक कोई कीटनाशक नहीं डाला इस सोयाबीन में और ये बहुत ही अच्छी अभी मेरे को दिख रही है। ये देख सकते हैं आप, एक पौधा है ये, आप देख सकते हैं इसकी फलियाँ कम से कम 60 से 70 फलियाँ इसमें नीचे से लगाकर ऊपर तक आराम से होगी। मैं एक पौधा नहीं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे पौधे हैं। ये देखिए पूरे खेत में है, एक साथ में एक लाइन से देख सकते हैं आप, पूरी कतार में देख सकते हैं आप। ये देखिए आप, पूरी कतार में आपको बहुत अच्छी फलियाँ देखने को मिलेगी। तो ये है हमारी GS 2034 और ये बिना कोई कीटनाशक के अभी तक खड़ी है, ये देख सकते हैं आप। कीटनाशक का क्या रोल रहता है, यदि आप एक बार स्प्रे करेंगे इल्ली की दवाई के लिए तो आपको उसमें रिपीट करना पड़ेगा। आप यदि 2 या 3 साल से कोई स्प्रे नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके खेतों में इल्ली लगना बंद हो जाएगी और लगेगी बहुत कम और वो भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कितना उत्पादन देगी और आपके इलाके में कितना उत्पादन होता है ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।